नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौकरी दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम हुई गठित। घंटाघर पर चोरी मामले का खुलासा, पुलिस जांच नहीं मिलने पर चोरी के तथ्य, लाइन हाजिर चौकी इंचार्ज की हुई वापसी। धामी सरकार की ओपनल कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल, सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में कार्यक्रम, कार्मिक को मिलेंगे 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, सभी जिलों में डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए रेड अलर्ट जारी है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अनेक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बारह तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है, तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहां कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा के साथ। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद ठंड भी लौटी है, जहां पे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। इसके बाद ठंडी हवाएं चलने लगी चारों धामों में और ऊंची चोटियों में बर्फबारी से अचानक ठंड बढ़ गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार में गणेश जोशी भ्रष्टाचार के सर्वांगीणता के प्रतीक है, जहां पर एक सवाल के जवाब में हरीश रावत ने कहा कि किसी एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया था कि गणेश जोशी ये कह रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मैं अकेले नहीं हूं, मेरे जैसे कई और हैं। कहा कि गणेश जोशी पर लगे आय अधिक संपत्ति का मामला गंभीर है। बता दे कि पहले सीबीआई उनकी विभाग की जांच कर रही है, साथ ही ग्राम्य विकास में, सिंचाई में घोटाले का मामला भी उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है, तो और यहाँ के नदी, नाले, खाले सारे चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी, गणेश जोशी, और ये नदी खाले ये भी कह रहे हैं कि धामी क्यों है, इस पर मौन। तो ये जो है गणेश जोशी जी, यदि इस सरकार के सर्वांगीणता के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार में जो सर्वांगीणता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर डीजीपी को नसीहत दी है। रावत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन में इंटेलिजेंस सर्विस को इस पर ध्यान देना होगा, साथ ही प्रदेश में जो पुलिस के मुखिया है उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। डेमोग्राफिक चेंज एक चिंताजनक विषय है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समाज यदि जागरूक हो जाएगा तो स्वतः ही काफी हद तक कम हो जाएगा, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात कही।
उत्तराखंड तो वैसे भी अति संवेदनशील है, सीमांत क्षेत्र है और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उन सभी को उसने चिंतित किया है। समाज ने अपनी जागरूकता का परिचय भी दिया है। समाज जागरूक हो जाएगा तो काफी हद तक ये समस्याएं स्वतः न्यून हो जाएंगी। देहरादून के घंटाघर के तार और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि घंटाघर पर घड़ी और फव्वारे कई दिनों से बंद थे, जिसके बाद ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई दिन पहले इस मामले में नगर निगम ने शहर कोतवाली में चोरी का केस भी दर्ज करवाया था। इसी के बाद जांच में पता चला कि चोरी एमएस संबंधित एसी कोई घटना सामने नहीं आई है। पूरा इंस्टॉलेशन किया गया था, उस व्यक्ति को भी बुलाकर वहां पर निरीक्षण कराया गया, उसके द्वारा बताया गया जितने भी बैटरी और आवश्यक उपकरण है वो सभी मौजूद है, क्योंकि इंस्टॉलेशन उसके द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक तार जो कनेक्ट करता था क्लॉक को, वो तार कटा हुआ पाया गया, क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जब पूरा घटनास्थल को निरीक्षण के बाद सीसीटीवी में पाया गया कोई भी फोर्स एंट्री वहां पर नहीं हुई है, ताले इंटैक्ट जो लगे थे वो लगे हुए हैं। जो रास्ता था वो फरवरी में लास्ट पिछली बार इसको खोला गया था और अब जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी घड़ी बंद होने की, तब इसको आज खोला गया। पूरी जानकारी में पता चला कि उसकी जो घंटाघर के जो मेन जो दो चैनल गेट है जो बंद रहते हैं, इसकी चाबी फरवरी में जो लिपिक है हमको देता है वो अपने पास उसे रखते हैं और जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो चाबी का प्रयोग करके इसकी साफ सफाई या अन्य चीजों को देखा जाता है। फरवरी माह के बाद से जब तक वो बंद है तब से वो चाबी उन्हीं की कस्टडी में, नगर निगम के जो कर्मचारी उनकी कस्टडी। लाइन बॉक्स सुविधा बंद करने के विरोध में ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की हरिद्वार शाखा से जुड़े गार्ड और लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन पर ध्यान दिया और लाइन बॉक्स सुविधा जारी रखने की मांग की। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की ओर से इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी को ज्ञापन भी दिया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में गार्ड और लोको पायलट शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के हरिद्वार शाखा सचिव भूपेंद्र वर्मा ने रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि लाइन बॉक्स की जो पुरानी सुविधा चल आ रही है उसे अनवतर चलाया जाए। उन्होंने मांग पूरी न होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई असामान्य घटना हो जाती है तो हमें ब्रेकवान छोड़ के और आगे की तरफ ट्रेन में जाना पड़ता है, तो हम बॉक्स में सारा सामान बंद करके और जा सकते हैं, बॉक्स को कोई छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर सूटकेस में हम वही सामान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में कोई भी उपद्रवी तत्व उस सामान से छेड़छाड़ या उसे गायब भी कर सकते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, ये आज धरना है, इसके बाद हमारी AIGC की सेंट्रल कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार। हम सभी ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने एक फैसला लिया है जो हमारा लाइन बॉक्स से संबंधित है। लाइन बॉक्स में सेफ्टी से संबंधित हमारे आइटम होते हैं। हमारी ये मांग है जैसे पहले से ये बक्से का प्रचलन चल रहा है ये कंटिन्यू ऐसे ही रहे। भारतीय रेलवे में लोको पायलट और गार्ड रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन रेल प्रशासन रीढ़ की हड्डी पर 20 से 25 किलो वजन लादकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है जो कि सही। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि उपनल कार्मिक की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि उसके आश्रित को प्रदान की जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतराल में कार्मिकों को उनके वेतनानुसार 40 से 100 चेक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग
प्रदेश में व देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो कितना पैसा मिलता है, जो ये जाएगी 15,000 रुपये मिलता है, तो मैंने उसको बढ़ाकर 1,00,000 किया। और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। इससे अभियोग होने के बाद 50,00,000 का जो इंश्योरेंस हुआ है उस दुर्घटना में इस व्यक्ति के परिवार खड़ी। कांग्रेस के दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर के केदारनाथ के लिए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालने से ज्यादा जरूरी कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि उत्तराखंड में भाजपा बहुत अच्छे से संभाल रही है, जहां भी घटना घट रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से संभाल रही है, जहां पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हो रही है तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तुरंत जो दोषी हैं आरोपी हैं उन पर एक्शन लेकर सरकार अपना कार्य कर रही है और नसीहत दे रही है, साफ सख्ती से निर्देश है। जो भी महिलाओं के प्रति गलत भावना रखेगा, किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है उन पर सख्ती से हम लोग उसमें पेश आ रहे हैं। और आपने देखा कि अभी जितने भी केसेस हुए फास्ट ट्रैक में हमने उन केसेस को है और फास्ट ट्रैक में भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जैसे ही फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके तहत उनका जल्दी निवारण हो और दोषियों को सजा मिले। नैनीताल और उसके आसपास के मूसलाधार बारिश के चलते जनजन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है आसपास के इलाकों में। वहीं जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे स्कूली बच्चों को काफी राहत मिली है। इधर मूसलाधार बारिश से 3 राज्य मार्ग और 16 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते राज्य मार्ग रामनगर गार्जिया बेताल घाट बंद हो जाने से राहगीरों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल की किल्लत भी बनी हुई है, तो वहीं अधिकांश नाले बंद हो जाने के कारण नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। महिला से शारीरिक शोषण और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आरोपी मुकेश पर लालकुआ थाना में धारा 376 और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकेश फिलहाल फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बोरा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की है, जहां जगह जगह पर छापेमारी चल रही है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंटी जारी करने के बाद पुलिस से फरार चल रहे बोरा पर शिकंजा और कस दिया है। पुलिस अब मुकेश बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पॉक्सो की धाराएं बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए एक निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद में उसका 82 में ले लिया और 82 पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभी तो जो मुकेश बोरा है इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है, जल्दी इसके हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए आपदा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही जहां पर भूस्खलन की संभावना जताई जा रही है वहां पर पहले से जेसीबी तैनात कर दी गई है। जहां पर जल भराव की समस्या है वहां पर भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ, कल मेरी सभी से बात हुई है डिटेल में।
क्या क्या कार्रवाई की जानी इसके बारे में बात हुई है, लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। सो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और बैंक वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। जहाँ जल भराव होने की संभावना है वहाँ ऑलरेडी हमने उपाय कर लिए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती हो, चाहे पुलिस बल की तैनाती हो या राफ्ट नाव जो भी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली। पलटन बाजार देहरादून में दून पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ दुकान के ही एक कर्मचारी ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियान के दौरान 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया। और छेड़खानी की गई और इसमें जैसी शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएं और बच्चियां ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, जो कि इस तरह की शॉप्स है, तो ये देखने में आया कि काफ़ी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, चूँकि वो कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं और इसके अलावा महिलाएँ बच्चों कहीं कोई बुरी नज़र से या कहीं फप्तियाँ ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अपनी सत्यापन अभियान था। ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे 50 से ज्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं के पूर्व के से हिस्ट्री ना हो। साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहां पर लगाई है कि इस तरह के लोगों पर नजर रखें, तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना था कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों से बातचीत कर ली गई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी जागरूकता अभियान शुरू किया। कार्यक्रम में आयोजित क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक मल्टीमीडिया वैन चलाई जा रही है। इसका उद्घाटन बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में डॉ गीता खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने बताया कि वैन के जरिए वीडियो संदेश दिखाए जा रहे हैं, साथ ही साहित्य का प्रचार किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा सांसद अजय भट्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय, विधायक शिव अरोड़ा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बार भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल को उधम सिंह नगर जिले में एक बृहद कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई है। उद्देश्य यह है कि कुपोषण की जो स्थिति भारत में है उस स्थिति को कम से कम किया जाए। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके आंकड़े ये कहते हैं कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, वो चाहे स्टंटिंग हो या चाहे वेस्टिंग हो या अंडरवेट की कैटेगरी हो, वो उसमें हमारा देश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उद्देश्य यह है कि उधम सिंह नगर जिला, जिसमें कई पॉकेट से कुपोषण की बातें आती हैं सामने, तो जो भी महिलाओं में या बच्चों में खासतौर पर 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में जो कुपोषण की स्थिति है वो बेहतर हो, यानी वो स्वस्थ बने इसको। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन राज्य गठन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्रीय दल यूकेडी कभी भी अपनी सरकार उत्तराखंड में नहीं बना पाई। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल वाकई में क्रांति लाने में नजर आ रहा है, जहां पर यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री संगठन कर्नल सुनील कोटनाल का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जाकर यूकेडी की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, एक बात तो यह सच है कि इमोशनली जो हैं लोग पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर क्योंकि आज तक उनको यह अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट कर सके, क्योंकि कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ हम उन तक नहीं पहुंच सके। मगर अब 2027 में अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अब अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यकर्ता जो हमारे पुराने हैं उनको फिर से मनोबल उनका बढ़ाएंगे, उनको जागृत करेंगे, घर घर जाके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम संगठन ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे।
और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।